भगवान के विषय में कहा गया अड़ो अड़ियान महितो महियान, संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है और संसार में उनसे सूक्ष्म भी कोई नहीं, वो सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल है। फिर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, इसका वर्णन किया गया। अब देखो सीधे ही चले जाओ, बचपन से ब्रह्मचारी हो और सन्यास ले लो, वो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास, ये क्रम मुक्ति। आप ऐसे समझो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मतलब क्या है, बोले ऐसे समझो कि जैसे हम लोग कई बार बाईपास से, शहर के बाईपास से निकल जाते हैं, तो क्या है वहां रेड लाइट नहीं है, वहां ट्रैफिक नहीं है, वहां ठेला नहीं है, वहां पर सब्जी वाला नहीं है, वहां पर साइकिल वाला नहीं है, वहां पर रिक्शे वाला नहीं है, सीधे सीधे बाईपास से भाग गए, निकल गए। और दूसरी जगह हम शहर में होके जाएं, तो जब बीच में जाएंगे तो शहर रोड पे हो सकता है गड्ढे भी हो, ठेला वाला भी निकल रहा है, साइकिल वाला भी, बाइक वाला भी, गाड़ी वाला भी, तमाम भीड़ भड़क का लगा हुआ है, उसके बावजूद भी गाड़ी चलाते 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 बीच शहर में से साइकिल वाला बचाया, रिक्शा वाला बचाया, टेम्पू वाला बचाया, थ्री व्हीलर बचाया, ट्री वाला बचाया। ट्री वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है, ट्री वाले को बचाना, बड़ा खतरनाक साधन आया आजकल ट्री, नाम आई है ट्री, एक पहिया यूं फंसाया आगे वाला फंसा देते यूं यूं यूं, बीच वाले पीछे वाले को अब तुम्हें जगह देनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं। तो इसको भी बचाया, भीड़ भाड़ में बालक आ गया उसको भी बचाया, लेकिन अंत तो गत्वा ये रोड भी मिल गया, कहां जाकर उसी हाईवे पे जाकर जो बाईपास से आ रहा था, ये रोड भी शहर क्रॉस करके वहीं पहुंच गया। इसका मतलब यह है सदग्रस्त वही है, ध्यान से सुनिए, जिस गृहस्थ में परम सती न हुई हो, जिस गृहस्थ में एक भक्त न हुआ हो, जिस गृहस्थ में एक सूरवीर न हुआ हो, जिस गृहस्थ में एक परम दानी न हुआ हो, ऐसे गृहस्थ को सदग्रस्त नहीं कहा जा सकता। हम ये कहेंगे गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो अशोभनीय है। अगर हम अपने ग्रस्त को सदग्रस्त कहना चाहते हैं, या तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा विद्वान हो, सूरवीर हो, बलवान हो, दानी हो, या एक परम सती सावित्री स्त्री मेरे घर में हो, या फिर परमात्मा का परम भक्त कोई हो, एक भी मेरे ग्रस्त में ऐसा हो जाए तो वो सदग्रस्त हम सब के लिए, समाज के लिए कल्याण का सूचक हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हम लोग गृहस्थी लोग जो हैं, सन्यास वानप्रस्थ ये सब लेके तो निकल जाते, सन्यासी तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं, पहले ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, फिर विवाह करते हैं, फिर संतान उत्पन्न होती है, फिर उनका पालन पोषण होता है, और उन सब के बाद ये सब होते होते फिर वो अपना बाद में वानप्रस्थ लेकर संन्यास लेकर निकल जाते हैं, और फिर वो धर्मयुक्त जीवन जीते हैं पूरे जीवन भर। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।